इंडिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात कर सकता है, कनाडा में भी और अमेरिका में भी, हाँ और आप इससे समझो, बिल्कुल डिफेंस अटैच अपनी करते हैं अपनी उसको बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इससे बेइज्जती किसकी होगी, कनाडा की और अमेरिका की? क्या वो होते तो हैं दादा डिफेंस अटैच है, मगर कितने सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करेंगे, कितनी सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड कर देंगे अपने लोकल लोगों की वहां से ले जा करके। प्लस उनको आई डोंट थिंक कि उनको गन चलाने का अधिकार मिलेगा लोकल लॉज के अंदर में, इट विल बी डिफिकल्ट। दस दस आर्मी के स्नाइपर्स अगर ऊपर खड़े कर दिए ना, तो कोई खालिस्तान नहीं फ्लैग नहीं खींच पाएगा इंडियन कॉन्सुलेट का, इंडियन हाई कमीशन का। 10 स्नाइपर्स, 11 नहीं चाहिए। भाई 10 स्नाइपर्स की आज उनकी पुलिस क्या कर रही है? एड्रियन लेवी ये CIA के स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे इस्लामाबाद में, जिन्होंने एक किताब लिखी कैथी स्कॉट क्लार्क के साथ मिलके, जिस किताब का नाम था द एग्जाइल द फाइट फॉर ओसामा बिन लादेन। इस किताब में इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, इंडिया की पार्लियामेंट पे वो हमला क्यों हुआ था। वो हमला इसलिए हुआ था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि पाकिस्तानी पे ऊपर बहुत प्रेशर था अमेरिका का कि ओसामा बिन लादेन ढूंढ के निकालना है, ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों में घेर लिया गया था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने ये एंटिसिपेशन करके कि ये एक दिन ये फंस चुका है, अब ये यहीं पे पकड़ा जाएगा, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करा के, इंडिया की फोर्सेस, इन्हें पता था कि इंडिया की फोर्सेस बॉर्डर पे जाएंगी, जिसे ऑपरेशन पराक्रम बोलते थे। इंडिया की फोर्सेस बॉर्डर पे गई तो इन्हें भी तोरा बोरा से और दूसरे एरिया से फोर्सेज लेकर के इंडिया साइड ऑफ बॉर्डर लाना पड़ा और ओसामा बिन लादेन को रास्ता दे दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CIA के स्टेशन डायरेक्टर की किताब है। इस तरीके की टेस्टेड टेरर प्रोसेस चल रही है, अमेरिका के लोग लिख रहे हैं। इंडिया तो खैर बोलता ही रहता है कि आप टेररिस्ट के साथ हो, आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, इंडिया की तो बात आप मानते नहीं, अमेरिकन की तो मानेंगे। नमस्कार, पाकिस्तान को एक अच्छी लताड़ मारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाते हैं ना, इनसे हम संभल के रहते हैं और इनको हम बताएंगे। एक वील्ड धमकी, एक छुपी हुई धमकी कि हमसे संभल के रहना, हम बताएंगे आपको। और एक ऐसी चीज बोल करके वो अपना आगे चले गए। बहुत सारा काम होता है प्राइम मिनिस्टर के पास, बहुत सारी चीजों पे बात करनी होती है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या वो, लेकिन एक धमकी तो दे दी गई। और उन्होंने, पाकिस्तान ने बोला कि ये एक डिप्लोमेटिक तरीका था अपनी बात रखने का, मतलब अपने अटेंशन लेने का, पॉइंट स्कोर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। लेकिन इस मीटिंग में जितने कंट्री से ज्यादातर ये मानते हैं कि टेरर आता है पाकिस्तान से। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, एनालिस्ट, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान को धमकी दी है प्राइम मिनिस्टर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ चुका है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोरम है, इस फोरम पे पाकिस्तान को धमकी देने का मतलब कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली नाम ना ले, धमकी जरूर दे रहे हैं कि तुम संभल के रहो, तुमने बहुत परेशान किया हमें और अब हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। इज ही रियली सीरियस ऑन इट? नहीं बिल्कुल, ये मैं इसको दादा धमकी वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा, बिकॉज पाकिस्तान की वो तो नहीं है अभी कि वो पाकिस्तान मोदी जैसे आदमी ये इतना बड़ा स्टेट्समैन को धमकी दे। हाँ उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने कहा है कि भाई इट्स टाइम, आप अगर एक तरीके से करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं तो ले। और प्लस चाइना को भी उन्होंने कहा कि वो सारे देश जो कि दोगला रुख अपनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं या किसी तरीके का क्लैंडेस्टाइन एक इकोसिस्टम बनाते हैं, उनको भी ये जरूरत है कि वो अनइक्विवोकली टेरर को कंडेम करें। अच्छा देखिए, मजे की बात ये नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला, एक तो पहली बात उन्होंने गट्स दिखाया बिना नाम लिए, इन लोगों की मौजूदगी में ही कॉल्ड आउट टेररिज्म। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो आया स्टेटमेंट वो बड़ा अच्छा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो मुसलमानों के साथ, अरे माइनॉरिटीज के साथ, कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो ये किसको कह रहे थे, क्योंकि उस मीटिंग में चाइना भी था और इंडिया भी था। मेरे हिसाब से वो चाइना को कह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई माइनॉरिटी है नहीं, और जो माइनॉरिटी है उसको तो हम इक्वालिटी नहीं बल्कि स्पेशल राइट्स देते हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 तो रिलीजियस माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स देता है, वो राइट्स तो मेजोरिटी वाले रिलीजन वालों के पास नहीं है।
तो डेफिनेटली वो हमारी बात तो नहीं कर रहे थे। अब चाइना से उनके संबंध इतने अच्छे हैं और वो चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि माइनॉरिटी को वो ठीक से ट्रीट नहीं करता है, तो ये तो शहबाज शरीफ को देखने की जरूरत है और अंदर झांकने की जरूरत है कि चाइना पाकिस्तान संबंध किधर जा रहे हैं। बिकॉज प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया वो ग्लोबल इशू है। ज्वाइंट स्टेटमेंट आया इंडिया यूएस का, उसमें टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड आउट हुआ। G20 का मुद्दा होता है, टेररिज्म डिस्कस होता है। FATF होता है, टेररिज्म डिस्कस होता है। टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग हर ग्लोबल मंच से डिफेंड किया जाता है, इसको सॉरी इसको कॉल आउट किया जाता है और इसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मैटर उठाया और शहबाज साहब ने वो उन्होंने उठा लिया एक इंटरनल मैटर। ही स्टार्टेड पोकिंग नोज इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड चाइना कि भाई आप क्या पे ये हो रहा है, माइनॉरिटी आप क्या के माइनॉरिटी के साथ, क्या आप तो माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं मानते, इंसान मानने को तैयार नहीं हो। इस पे क्या कहा जाए? शायद ये लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं है कि क्या बोलना है। अगर टेररिज्म कर रहे हो तो आप ये बोल दो, हाँ भाई अब ऐसा मौका हम नहीं देंगे, वी आर कॉलिंग इट आउट, वी आर सिंपली ट्राइंग टू रिवर्स द आइडियोलॉजी एंड विल सी कि कैसे इसमें चेंज होगा। तो दिस इज व्हाट माय टेक इज दादा। ना हाँ यार, और प्राइम मिनिस्टर ने बोला क्या? वो ये बोला कि देयर मस्ट नॉट बी एनी डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। ब्लॉक्स मस्ट नॉट हेसिटेट टू क्रिटिसाइज कंट्रीज दैट सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज अ पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चीज, खैर माइनॉरिटी की बात तो ये करेंगे कि हम वो कंट्री जो माइनॉरिटी को माइनॉरिटी बोलते हैं, और वो कंट्री जो माइनॉरिटी को काफिर बोलते हैं, मतलब नॉन बिलीवर्स। तो ये भी एक फर्क होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर टेररिज्म में स्टेट पॉलिसी चल रहा है तो इंडिया उसको उसको बोल रहा है फोरम पे और दूसरे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग पड़ता दिखता है। ऐसे में जब उनकी इकोनॉमी की हालत खराब है, ऐसे में क्या पाकिस्तान कहीं प्रेशर में आ पाएगा टेररिज्म को रोकने के लिए, या इनका तो स्टेट पॉलिसी है ही, हम दे विल कंटिन्यू। नहीं तो जब तक इनका कट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट रहेगा, टेररिज्म विल बी अ फॉरेन पॉलिसी टूल। देखिए दादा ऐसा है कि मैं आपसे ना थोड़ा सा सहमति वो करूंगा कि भारत अपनी माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कहता है। भारत में माइनॉरिटी कोई है ही नहीं, हमारे पास तो सबके पास इक्वल राइट है। हमारी माइनॉरिटी को एडिशनल राइट देने के लिए हम माइनॉरिटी कहते हैं। सारी दुनिया में माइनॉरिटी को इक्वल राइट्स देने के लिए माइनॉरिटी कहा जाता है। हमारे यहाँ भाई जो राइट आपके पास है वो राइट माइनॉरिटी के पास है। आर्टिकल 14 हमारे ऊपर लगता है, उनके ऊपर लगता है। आर्टिकल 15 हमारे ऊपर लगता है, उनके ऊपर लगता है। 16 लगता है, सब हमारे ऊपर लगता है, उनके ऊपर लगता है। उनको एडिशनल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 39, 29 और 30 में। तो व्हेन वी कॉल माइनॉरिटी वी गिव देम मोर देन व्हाट इज गिवन टू द अदर पीपल। सो इट इज इक्वालिटी प्लस स्पेशलिटी। हमारे यहाँ ये है माइनॉरिटी। इफ यू आर अ माइनॉरिटी यू आर इक्वल प्लस स्पेशल। दूसरी जगह पे माइनॉरिटी क्या है कि यू आर नॉट इक्वल बट यू विल बी ट्रीटेड अ लिटिल लेस देन दैट, स्पेशली पाकिस्तान में। कि अगर आप अहमदिया हैं तो आप अपना ईद नहीं मना सकते, यदि आप हिंदू हैं तो होली दीपावली नहीं मना सकते, हिंदुओं की शादी रिकॉग्नाइज नहीं थी। तो ये अपनी माइनॉरिटी को कोई भी इंसानी हकूक नहीं देना चाहते। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि हम उतना ही ह्यूमन राइट्स देंगे जो इस्लामिक दायरे में आता है। इस्लामिक दायरे से बाहर जो है वो ह्यूमन राइट्स हम नहीं आपको ग्रांट करेंगे। अब इस्लामिक दायरे के अंदर में तो जो मुस्लिम जो हिंदू है उसको तो जिजिया देना है या जिम्मी बन के रहना, धिम्मी बन के रहना है। वो धिम्मी बन के रहता है, सेकेंड ग्रेड सिटीजन। अच्छा ये खुद की माइनॉरिटी को सेकेंड ग्रेड सिटीजन धिम्मी बना के रखते हैं और बाकी जगह पे ये इक्वालिटी प्लस स्पेशलिटी मांगते हैं। ये तो सोचने की बात है ना दादा। तो क्या कहा, ये जो शहबाज प्रधानमंत्री ने ठीक कहा चाइना के लिए कहा, क्योंकि अभी वो जो पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट था जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और चाइना ने, इंडिया और अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था टू बी लिस्टेड एज अ टेररिस्ट, उसको चाइना ने टेक्निकल ग्राउंड पे ब्लॉक कर दिया था। वो तो आप टेररिज्म को हेट भी कर रहे हो, अपने यहाँ पे टेररिज्म से वो जिंग जंग में लड़ाई लड़ रहे हो और कह रहे हो कि हम एजुकेशन कैंप में भेजेंगे, और दूसरे के टेररिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो बाय ब्लॉकिंग देयर द रिजोल्यूशन टू बैन अ टेररिस्ट बाय पुटिंग इट ऑन टेक्निकल हे होल्ड। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। तो यही चाइना की डबल स्टैंडर्ड को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अंडरलाइन किया, एंड आई गेस राइटली सो। $3 बिलियन इन्होंने मांगे अभी IMF से, और
एक ऐसे टाइम पे इकोनॉमी जब टूट रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, ये चाइना के पाले में बैठे दिख रहे हैं कि चाइना से कुछ पैसा मिल जाए। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आकर के यही कोशिश की कि कहीं से पैसा मिल जाए, कटोरा वटोरा तो इनके साथ चलता है ना हमेशा, मतलब जहां ये पहुंचते हैं पहले कटोरा दूसरी फ्लाइट से पहुंच चुका होता है कि भाई कटोरा कहीं कमी ना आए, प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये चीज की चाइना ने जो ब्लॉक किया था, वो जो टेररिस्ट था उसका नाम था साजिद मीर, और साजिद मीर जो है वो मुंबई अटैक्स में शामिल था। मुंबई अटैक्स वाले टेररिस्ट को भी कहीं ना कहीं अपने घर में बैठा के रखे, ये बात कई बार बोली जा चुकी है कि आप ये टेररिस्ट अपने घर में रखे हुए हैं। और जो अभी हाल में जो इंडिया और अमेरिका का ज्वाइंट स्टेटमेंट था, उसमें ये डिस्कशन, उसमें ये साफ था कि पाकिस्तान को अपने घर से होम ग्राउंड टेररिस्ट रोकना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान दोबारा स्लाइड कर सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में? बिल्कुल, वो तो एक मींस रहेगा हमेशा से टू पुट जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेशन। पाकिस्तान चाहता क्या वो खुद इनको पता नहीं है। अब एक ऐसी कंट्री है जो कहती है हम इस्लामिक रिपब्लिक है, उसका बेस्ट फ्रेंड चाइना है। एक ऐसी कंट्री है जो कहती है हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ेंगे, वॉर अगेंस्ट टेरर वॉर बेसिकली वॉर अगेंस्ट जहाद, बिकॉज की वो अलकायदा के अगेंस्ट में लड़ा गया था, वो अमेरिका के साथ लड़े और अलकायदा का जो चीफ था उसको अपने यहाँ रख के प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो ये सिर्फ वो कर सकते हैं, वॉर ऑन टेरर वॉज अगेंस्ट बिन लादेन, ये वॉर ऑन टेरर भी लड़ रहे थे और बिन लादेन को अपने यहाँ रखे हुए थे। ये कमाल सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। आप राइट सोचिए दादा कि वॉर ऑन टेरर में हम लड़ भी रहे हैं, ये अमेरिका से पैसा भी ले रहे हैं, और वॉर ऑन टेरर का जो प्राइम सस्पेक्ट है, टारगेट है, उसको हम अपने यहाँ पे भी, तो हमें वॉर ऑन टेरर भी लड़ना है, और वॉर ऑन टेरर के जो जो टारगेट्स हैं उनसे हमें प्यार भी है और सिंपैथी भी है। तो ये जो द कंट्री इज कंप्लीटली डिल्यूजनल, द कंट्री इज सिंपली इन डिनायल मोड, द कंट्री इज सिंपली हेल्यूसिनेटिंग, ये कोई भी जो बात सच है उसको ये एडजस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। दे आर नाउ हैबिचुअल टू लिव इन अ इन 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 अ बबल ऑफ लाइज। ये जो बबल ऑफ लाइज जो ये सिर्फ ये उनकी दुनिया है, उस दुनिया को सिर्फ ये समझते हैं, बाहर की दुनिया को ये दुनिया समझ ही में नहीं आती है कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इनका दोस्ती है चाइना के साथ और कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है। भाई इस्लामिक रिपब्लिक का चाइना के साथ दोस्ती कैसे हो सकता है? तो अब आप अमेरिका के साथ ये दोस्ती करना चाहते हो, कहते हैं हम डेमोक्रेटिक नहीं लाएंगे, हमको इस्लामिक शरिया लॉ चाहिए, शरिया लॉ इज द बेस्ट लॉ। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज एन एंटीथेसिस ऑफ थियोक्रेसी। तो अगर आप डेमोक्रेसी चाहती है और डेमोक्रेसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो आप फिर शरिया लॉ को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? अपनी खुद की सोसाइटी में कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक है, हमारा कुरान और सुन्ना हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होता है, सऊदी अरेबिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दादा वो है क्या नाम है, सुन्नी होली कुरान और सुन्ना, वो तो इलेक्शन नहीं कराते। तो मतलब इस्लामिक सोसाइटी भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, उसके बाद वॉर ऑन टेरर भी लड़ना है, ओसामा बिन लादेन से भी प्यार है, उसके बाद इस्लाम से भी प्यार है और चाइना से भी प्यार है। तो अब क्या कहा जाए, द कंट्री इज अ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बस यही कहा जा सकता है। एड्रियन लेवी ये CIA के स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे इस्लामाबाद में, जिन्होंने एक किताब लिखी कैथी स्कॉट क्लार्क के साथ मिलके, जिस किताब का नाम था द एग्जाइल द फाइट फॉर ओसामा बिन लादेन। इस किताब में इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, इंडिया की पार्लियामेंट पे वो हमला क्यों हुआ था। वो हमला इसलिए हुआ था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि पाकिस्तानी पे ऊपर बहुत प्रेशर था अमेरिका का कि ओसामा बिन लादेन ढूंढ के निकालना है, ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों में घेर लिया गया था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये एंटिसिपेशन करके कि ये एक दिन ये फंस चुका है, अब ये यहीं पे पकड़ा जाएगा, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करा के, इंडिया की फोर्सेस, इन्हें पता था कि इंडिया की फोर्सेस बॉर्डर पे जाएंगी, जिसे ऑपरेशन पराक्रम बोलते थे। इंडिया की फोर्सेस बॉर्डर पे गई तो इन्हें भी तोरा बोरा से और दूसरे एरिया से फोर्सेस लेकर के इंडिया साइड ऑफ बॉर्डर लाना पड़ा और ओसामा बिन लादेन को रास्ता दे दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CIA के स्टेशन डायरेक्टर की किताब है। इस तरीके की स्टेट टेरर पॉलिसी चल रही है, अमेरिका के लोग लिख रहे हैं, इंडिया तो खैर बोलता ही रहता है कि आप टेररिस्ट के साथ हो, आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, इंडिया की तो बात आप मानते नहीं, अमेरिकन की तो मानेंगे। अब आते हैं कि ये पाकिस्तान का जो पूरा गेम था, इस पूरे गेम में शाहबाज शरीफ को भी पता है कि कितना कितना आतंकवादी वहां बैठे हैं, लेकिन ये दुनिया से झूठ बोलते रहते हैं। क्या क्या पाकिस्तान इसको छुपा पाएगा? साथ में पाकिस्तान
पाकिस्तान सपोर्ट करता है एक और आतंकवाद को, या आतंकवाद ना बोले तो एक ऐसे मूवमेंट को जो कि पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, पंजाब में ही नहीं चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान का पैदा किया हुआ, पाकिस्तान उसको जैसे बोलते हैं पानी डाल रहा है, खाद दे रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। अपनी वो लेने के लिए जैसे बोलते हैं मीडिया मोमेंटम लेने के लिए, या अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए, या अपने मूवमेंट को इस गुंडागर्दी को दिखाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट में आग लगाने की कोशिश की दो तीन खालिस्तानियों ने। वीडियो सामने आ गया है, इंडिया ने बोला कि भाई ये जितने भी मिशन है इनकी सिक्योरिटी आपके हाथ में। अमेरिका में ये मूवमेंट खुले में चल रहा था, कनाडा में तो नकेल लगानी शुरू की है। क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए इस पर? देखिए दादा, ये बहुत सीरियस मैटर है। अभी एक दिन पहले कनाडा में भी यही हुआ, इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो डाली। मैं बड़ा गुस्से में आया कि कनाडा में जो ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने जो हमारे वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल थे और जो एम्बेसडर हैं, उनका नाम पब्लिक में जो है वो लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वी विल टीच देम अ लेसन। अब दादा, इस भीड़ से कोई एक पागल आदमी, अगर वो मान लीजिए वो इतना इंसाइट हो जाए और जाकर के वो इनको हत्या कर दे, इनको गोली मार दे, इनको डंडा मार दे, इनको किसी तरीके का नुकसान कर दे, तो आप ये क्या करेंगे? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अबेटमेंट या इंसाइटमेंट टू क्राइम में क्या अंतर है, ये अब कनेडियन गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा। भाई मैं कहूं कि भाई तू जाके उसको मार दे, तू जाके उसको मार दे, और फिर मैं गवर्नमेंट से बोलूँ कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मैं किसी को उकसा रहा हूँ कि जाके मार दो। दिस इज अ वेरी सीरियस ऑब्लिगेशन, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड वायोलेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशनशिप, जिसमें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस देश की काउंसुलर रिलेशंस, काउंसुलर काउंसुलेट को और एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने की। पर ये तो उल्टा क्रिमिनल लॉ का वायोलेशन कर रहे हैं भाई अपने यहाँ पे। और आपको ये भी मैं बता दूं, अगर कोई इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है तो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी दादा ये कहता है कि आप अपना म्यूनिसिपल लॉ का एक्सेप्शन नहीं लगा सकते, आप म्यूनिसिपल लॉ की आड़ में नहीं छुप सकते अगर देयर इज एन इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज ऑन यू। तो वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशनशिप क्रिएट्स अ डायरेक्ट ऑब्लिगेशन ऑन अमेरिका एंड कनाडा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी ऑल दी एम्बेसीज एंड काउंसुलेट ऑफ इंडिया। अगर उनको कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल ये हुआ, आप देख लीजिए कि ये लोगों ने हमारे जो एम्बेसडर का नाम लड़ाया और आज सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने आग लगा दी। ये मामूली घटना है भाई, ये वो जो आग लगाई गई है वो अमेरिका में नहीं लगाई गई है, वो इंडिया की टेरिटरी है, क्योंकि कॉन्सुलेट जो होते हैं और एम्बेसीज जो होते हैं वो उस कंट्री में, उस जिस जिस कंट्री का वो कॉन्सुलेट होता है उसकी टेरिटरी होते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया में आग लगाई गई है। क्या कर रहे हैं आप, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी काउंसुलेट्स को कि इतना ज्यादा वो वल्नरेबल है, उनके बच्चों को कल को कुछ हो गया? और दूसरी चीज क्या है कि इनके चक्कर में जो लोकल बेचारा हमारा पैट्रियोटिक सिख भाई बहन होंगे हमारे, वो तो बोलने से डरेंगे। तो आप एक की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देने के लिए बाकियों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दबा दी, क्योंकि वो तो डर जाएंगे कि कल को मैंने कुछ बोल दिया तो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा। हुआ भी था, कोई बेचारा सिख था, वो प्रो इंडियन था, उसको इन्होंने खालिस्तानियों ने धमका दिया था। और भी लोगों के साथ हुआ है। एक 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 सिख थे जो कि यूके में थे, उन्होंने इनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो उनके उनके रेस्टोरेंट में घुस के तोड़फोड़ की, भाई इन्होंने भाई भाई, पुलिस को कॉल किया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर इन्होंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई, हम तो खाना खाने आए। पुलिस ने बोला हम तो खाना खाने आए, बोले भाई मैंने पुलिस कॉल की थी, यहाँ पे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। और साथ में लेकिन एक्शन हो रहा है, इनके खिलाफ भी एक्शन होगा जो ये लोग काम करते हैं। ये चीज ये जो कंट्रीज है, कनाडा हो या इनकी अपनी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है कि वो इंडिया को एंटेगोनाइज कर सकते हैं क्या? वो कर ही रहे हैं कब से। अब अगर पाकिस्तान करे तो वो टेरर नेशन है, रूग नेशन है। भाई पाकिस्तान क्या करता है? एंटी इंडिया फोर्सेस को अपनी जमीन देता है ना। तो आप तो पाकिस्तान को जिम्मेदार और दुनिया भर को शिक्षा देते हो कि आप अपनी जमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं मुहैया कराएंगे। तो ये जो कनाडा में हो रहा है, जो कह रहे हैं कि हम एम्बेसडर को वर्ड देंगे तो हम काउंसलर को वर्ड देंगे, ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। आप अपनी टेरिटरी मुहैया नहीं करा रहे हो ये टेररिज्म के लिए जो इंडिया के अगेंस्ट में ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। अब ये वेस्ट की एक आदत बन चुकी है। वेस्ट में क्या है कि आप देख लीजिए,
पहले यूके ने जितने भी क्रिमिनल फ्यूजिटिव होते थे इंडिया के, वो भाग जाते थे यूके, यूके उनको एक्सट्राडाइट नहीं करता था, कहता था कि आपके यहाँ पे वो जस्टिस सिस्टम आपका खराब है। उसके बाद देख लीजिए दुनिया भर की क्रिमिनल मनी, दुनिया भर का क्रिमिनल मनी कहाँ पार्क होता है, लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे। तो ये तो खुद हार्बर करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को देते हैं। तो यूरोप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा आप रिलीजन तक रखिए। आप हमारी रिलीजियस किताब को जलवा दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी कंट्री में वो एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक मैनिफेस्टेशन है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे इनको एम्बेसडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को थ्रेटन कर रहे हो, उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वो खुद कितना डरेंगे, क्या वो काम इंडिया, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे फ्रीली? नाउ आर दे सेफ? मैं पागल आदमी हूं, मैंने ये देखा कि ये कह रहे कि मारो इनको, वोट देंगे, मैं तो जाके हमला कर दूंगा। दिस इज अ सीरियस मैटर, इट शुड बी टेकन बाई इंडिया वेरी वेरी सीरियसली। इट कैन नॉट बी सिंपली यू नो पुट अंडर द कार्पेट। इंडिया को इसको बहुत विग्रसली उठाना पड़ेगा, वरना इंडिया को, वेस्ट को बताना पड़ेगा कि भाई आप दोनों, आप ये हॉट एंड प्ले या हॉट एंड कोल्ड दोनों गेम नहीं खेल सकते हमारे साथ, कि आपको इंडिया की दोस्ती भी चाहिए और एट द सेम टाइम आप इंडिया को एंटेगोनाइज करो, या इंडिया को जो है ना कि सबक भी सिखाते रहो कि एक ये हमेशा रखे रहो खालिस्तान का डंडा, ताकि इंडिया जरा सा ज्यादा उड़े तो बस खालिस्तान वाला जो है वो डंडा आगे कर दो। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इंडिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात कर सकता है, कनाडा में भी और अमेरिका में भी, हाँ और आप इससे सोचो, डिफेंस ऑफ बिल्कुल नेशन अपनी कहते हैं। सिक्योरिटी उसको बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इससे बेइज्जती किसकी होगी, कनाडा की और अमेरिका की? क्या वो होते तो हैं दादा डिफेंस अटैचे, पर लोग कितने सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करेंगे, कितनी सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड कर देंगे अपने लोकल लोगों की वहां से ले जा करके? प्लस उनको आई डोंट थिंक कि उनको गन चलाने का अधिकार मिलेगा लोकल लॉज के अंदर में, इट विल बी डिफिकल्ट। दस दस आर्मी के स्नाइपर्स अगर ऊपर खड़े कर दिए ना, तो कोई खालिस्तानी फ्लैग नहीं खींच पाएगा इंडियन कॉन्सुलेट का, इंडियन हाई कमीशन का। 10 स्नाइपर्स, 11 नहीं चाहिए। भाई 10 नापर की आज उनकी पुलिस क्या कर रही है मेरे घर? ये वही वैंडलिज्म है, मेरे घर में आके लोग मेरा खिड़की शीशा तोड़ रहे हैं और पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी है, वो भी एम्बेसडी का। वो राइट, या तो ये तो फेलियर है क्रिमिनल। मैं कह रहा हूँ ये वेना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का सीधा वॉयलेशन है। इंडिया शुड गो टू आईसीजे और इनसे कॉम्पनसेशन मांगिए कि आप जो है जो कर रहे हो, हमारी जो एम्बेसीज है वो फ्री एंड फेयर फंक्शन नहीं कर पा रही है। इंडिया ने कमीशन, हाई कमिश्नर कनाडा के हाई कमिश्नर को समन किया और उसको बताया। खैर, उन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगले 3-4 महीने में एक और बड़े खालिस्तानी गायब होने वाला है। जैसे अभी निर्जर हुआ ना, वैसे ही होगा, ये गायब होंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट्स, क्योंकि फंड्स आते हैं ना इससे, ISI पैसा देती है, और उस पैसे से ये लोग कार खरीद रहे हैं, ये लोग वहां पे जमीन खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, ट्रक चलाने का बिजनेस चलता है ना कनाडा में। ये खालिस्तानी उस पैसे से ट्रक्स खरीद रहे हैं, उस पैसे से जमीन खरीद रहे हैं, उससे कार खरीद रहे हैं, उससे मकान खरीद रहे हैं। तो वो जो ISI से फंड्स आते हैं, उससे ये 3 जगह प्रोटेस्ट करे, 1 लाख रुपए आया, 10,000 20,000 खर्च किए, ये 80,000 जेब में डालते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे खालिस्तानी आपस में भी भिड़ गए हैं, ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो भिड़े हैं, यही एक दूसरे को मरवा रहे हैं। निर्जर मारा गया और दूसरे मारे गए, ऐसे ही अभी कुछ और भी मरेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। मेरे पास जो खबर है, अगले 4 से 6 महीने में और कुछ मरे हुए देखेंगे आपको। ये खालिस्तानी आपस में मरवा रहे हैं एक दूसरे को, ये पक्का है। तो इस तरीके के जो गेम्स है ना, ये गेम्स देखेंगे, एक खालिस्तानी डाउन होते जाएंगे। वो सिक्स फॉर जस्टिस वाला, वो पन्नू, वो तो जब से प्राइम मिनिस्टर गए थे तब से दिखाई नहीं, लापता होगा, कहीं बिल में घुस गया वो चूहा, कहाँ है वो? वो जो शेर बताता था अपने आप को हाँ यूट्यूब का शेयर। लापता है। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। आपका आपकी बड़ी डिमांड आती है, लोग बोल रहे हैं मेरे कमेंट्स में नीचे, बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब फिर से बात करो। डॉक्टर साहब बहुत देर रात हो रही है और इस लेट नाइट में भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।